सलमान खान की ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इससे करारा झटका लगा है। पेश है फिल्म के असफल होने के 7 कारण। फिर वही कहानी, ट्यूबलाइट देख लगता है कि बजरंगी भाईजान को ही बदले हुए अंदाज में देख रहे हैं। उसमें एक छोटी बच्ची थी, यहाँ एक छोटा बच्चा है, वहाँ पाकिस्तान तो यहाँ चीन, यह तो जनता को सरासर बनाने की कोशिश की गई है। बेदम स्क्रिप्ट। ट्यूबलाइट लेखन के मामले में अत्यंत ही कमजोर है। स्क्रिप्ट तो लगता है 9 सिखिए ने लिखी है। फिल्म में यकीन करने पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि यकीन शब्द से ही यकीन हट गया। स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है कि इमोशन दर्शकों के दिल को छूते ही नहीं, सब कुछ बनावटी लगता है। लक्ष्मण कभी ट्यूबलाइट बन जाता है तो कभी समझदार, यानी कि लेखकों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक उसका किरदार लिखा। फिल्म में मनोरंजन का नामो निशान नहीं है, जबकि आम दर्शक सलमान की फिल्म का टिकट सिर्फ मनोरंजन के लिए खरीदता है। रोने वाला सलमान। ट्यूबलाइट के सलमान रोनी सूरत लिए घूमते रहते हैं, जो बेहद अजीब लगता है। उनका किरदार ठीक से नहीं लिखा गया, उनका किरदार बनावटी लगता है। यह सलमान की इमेज को बिल्कुल भी सूट नहीं होता। मोहम्मद जिशान अयूब उन्हें फिल्म में खूब चाटे मारते हैं। भला सलमान के फैंस ये बात कैसे पसंद कर सकते थे। सलमान कहीं से भी फिल्म में हीरो नहीं लगते। नो हीरोइन नो रोमांस। फिल्म में कोई नामी हीरोइन नहीं है। चीनी एक्ट्रेस जूजू को बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म में सलमान और उनका रोमांस भी नहीं है। बोझिल होती फिल्म में हीरोइन और रोमांस की कमी दर्शक महसूस करते हैं। कबीर ने उड़ाया फ्यूज। ट्यूबलाइट की असफलता के लिए कबीर खान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उनके पास बड़ा बजट था, साधन थे, सलमान खान जैसा हीरो था, बावजूद वे ढंग की फिल्म नहीं बना पाए। कबीर ने कहानी गलत चुनी। पूरी फिल्म में नकलीपन बुरी तरह हावी रहा, जो कि निर्देशक की कमजोरी को दर्शाता है। वे सलमान के किरदार और कहानी को दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाए। बढ़ी हुई टिकट दर। कई सिनेमाघरों ने 50% तक टिकट रेट बढ़ा दिए। इससे लोगों ने बजाय पहले दिन फिल्म देखने के रिपोर्ट का इंतजार किया। जैसे ही फिल्म समीक्षकों और आम दर्शकों की नकारात्मक रिपोर्ट आई, दर्शकों ने फिल्म देखने का इरादा छोड़ दिया। संगीत सेट अभिनय सब औसत। फिल्म के रिलीज होने के पहले एक भी गाना हिट नहीं हुआ। फिल्म का सेट निहायत ही नकली लगा। अभिनय के मामले में सलमान और सोहेल कमजोर रहे।